अगर दोस्तों आपका SBI बैंक में अकाउंट है, आप भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक हैं, तो ये वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है, क्योंकि जितने भी SBI खाता धारक हैं उनके लिए ये ऑप्शन को मैंडेटरी कर दिया गया है। अपडेट KYC का ऑप्शन ऐड करा गया है, आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट में, आप अपने SBI बैंक अकाउंट में अगर आप अपडेट KYC को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो इस केस में दोस्तों आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको SBI बैंक अकाउंट में अपडेट KYC करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि SBI बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो किस प्रकार से आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल फोन या फिर दोस्तों आप अपने लैपटॉप से अपडेट KYC के ऑप्शन को अपडेट कर सकते हो, KYC कर सकते हो घर बैठे, आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों बस आपको वीडियो को लगातार देखना है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको क्वालिटी के साथ साथ विश्वास मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों हम फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों अगर आपका भी SBI बैंक में अकाउंट है तो वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों SBI में जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हैं तो वहां पर एक अपडेट KYC का ऑप्शन ऐड किया गया है, और सभी जो SBI के खाता धारक हैं उनको अपडेट KYC करना जरूरी है। वो कैसे करना है वो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी SBI की ऑनलाइन SBI.SBI वेबसाइट पर विजिट करेंगे, इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहां पर कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहां पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड को फिल करेंगे, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे दोस्तों आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड की जाएगी, वो OTP इस कॉलम में फिल करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप अपनी SBI के इंटरनेट बैंकिंग के डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहीं पर दोस्तों आपको दो तरीके से आप अपडेट KYC कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड बार में आपको एक क्विक लिंक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट KYC का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका दोस्तों दूसरा भी प्रोसेस है, इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर दोस्तों माई अकाउंट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अपडेट KYC का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये KYC सभी SBI जो धारक हैं, खाता धारक हैं, उनके लिए यहाँ पर करना जरूरी है। नहीं हुई है तो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप अपडेट KYC के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अपडेट KYC का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, अगर आपके SBI में 2-3 अकाउंट हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अकाउंट शो हो रहा है, हम इस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ पर आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि योर KYC अपडेशन इज नॉट ड्यू एज ऑफ नाउ, फॉर फर्दर इंक्वायरीज प्लीज विजिट द नियरेस्ट ब्रांच। अगर कुछ इस तरीके से आपके सामने मैसेज शो हो रहा है, पॉपअप शो हो रहा है, तो समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपकी SBI इंटरनेट बैंकिंग में आपकी KYC सक्सेसफुल कंप्लीट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर KYC कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पर आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके बाद में दोस्तों आपको KYC को कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सीधे अपना बैंक पासबुक ले लेना है, आधार कार्ड पैन कार्ड को ले लेना है, अपने जो है SBI की ब्रांच में विजिट करेंगे, जाकर वहां पे बताएंगे कि हमें KYC कराना है, तो ब्रांच में भी दोस्तों KYC सक्सेसफुल आपकी कर दी जाएगी। सो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट थी जो SBI की खाता धारक है, तो हमने सोचा हम इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, ऐसे आप भी चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको KYC की जरूरत है तो तुरंत KYC करवा लीजिएगा, वरना दोस्तों आपका इस कंडीशन में बैंक अकाउंट भी बंद हो सकता है, क्लोज कर दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे।